नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की प्रस्तुति जश्न आज़ादी पॉडकास्ट के 11वें अंक में आप सभी का स्वागत है। पूरा भारतवर्ष आज़ादी के 75 साल का महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव की अहमियत तब और महसूस होती है जब हम याद करते हैं कि आज जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके लिए ना जाने कितने ही सेनानियों का योगदान रहा है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। जनजाति समुदाय के वीर बिरसा मुंडा जैसे अनेक वीर शहीदों और क्रांतिकारियों के निरंतर संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप ही आज राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग ने आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला के तहत बिरसा मुंडा के पुस्तक का पुनर्मुद्रण किया है। आज के इस अंक में हम इसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। मैं हूं अनीशा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा। लेखक अनुज कुमार धान द्वारा लिखित इस पुस्तक के बारे में आइए सुनते हैं। छोटा नागपुर में बसने वाले जनजातियों के ऊपर अंग्रेजी सरकार के संरक्षण में घनलोलुप जमींदारों और जागीरदारों द्वारा किए गए अमानवीय शोषण का इतिहास दहला देने वाला है। आदिवासी जंगल और जमीन से सांस्कृतिक, धार्मिक और भौतिक रूप से जुड़े हुए थे। उनकी लड़ाई अपने देश और जमीन की लड़ाई थी। उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका था। अंग्रेजी सत्ता और अंग्रेजी के समर्थकों को आदिवासियों ने पूरी तरह से नकार दिया था। आज यदि हम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और वीर कुंवर सिंह जैसों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सम्मानित करते हैं तो बिरसा मुंडा भी उस सूची में शामिल है। आदिवासी जनजाति समाज बिरसा मुंडा को पूछता है, यह बात प्रमाणित है, लेकिन क्षेत्र के गैर आदिवासी जन समुदाय में भी बिरसा लोकप्रिय है। बिरसा के व्यक्तित्व की जीवंतता थी कि वह ज्वलंत समस्याओं की आग में मात्र धनुष थामे कूद पड़े थे। उस आग से अपनी मशाल जलाकर उन्होंने अपने अधिकार के संघर्ष की ऐसी ज्वाला छोटा नागपुर के मुंडाओं के दिल में जगाई कि बिरसा लोकप्रिय ही नहीं पथ प्रदर्शक भी हो गए। नए ढंग का जीवन, एक नए ढंग का विचार और नई विचारधारा के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार थी। बिरसा जनमानस के नायक बन गए। उनकी बहादुरी के कारनामे हर व्यक्ति की जुबान पर तब भी थे और आज भी मौजूद हैं। वीर बिरसा, धरती आबा, बिरसा भगवान, ये आवाज़ें आज भी जंगलों में गूंजती हैं। बिरसा ने जनसाधारण से कहा, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि अपना देश अपना राज। बिरसा की इस घोषणा की तुलना 1992 के भारत छोड़ो आंदोलन से सहज रूप से की जा सकती है। आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला की यह पुस्तक एक अनूठे जनजातीय आंदोलन के प्रस्तुतीकरण का प्रयास है। बिरसा कौन थे? उन्होंने अपने वैश्विक शासकों की क्रूरता का विरोध किस प्रकार किया? लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया? इन सभी पहलुओं की इस पुस्तक में विस्तृत जानकारी दी गई है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह उस सदी के महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। यह झारखंड का सबसे बड़ा और अंतिम रक्ताप्लावित जनजातीय स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसमें हजारों मुंडा आदिवासी शहीद हुए। इस विद्रोह को नकार पाना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभव नहीं था। 1908 में ही छोटा नागपुर काश्तकारी यानी कि टेनेंसी अधिनियम पारित हुआ और मुंडाओं को जमीन संबंधित अनेक अधिकार मिले। धन्यवाद अनुजा। आशा करते हैं कि हमारा यह अंक आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक और पुस्तक के समीक्षा के साथ। प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के नए अंकों की जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या लॉग ऑन करें www.publicationsdivision.nic.in पे। आज के अंक में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए हमें। मिलते हैं पॉडकास्ट के अगले अंक में। नमस्कार।